बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेश मूली के पराठे। मूली को कद्दूकश करने के बाद मैंने मूली के पत्ते, सब्ज़ धनिया, लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, अजवाइन, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर हसबे ज़रूरत ऐड किया है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जहाँ रहें अल्लाह ताला की ढेर सारी हिज़्ज़ो अमान में रहें। जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया होगा, मैं आप सब के लिए आज सुबह सुबह अपने किचन में लेकर आई हूँ मूली का पराठा। तो मूली का पराठा बनाने के लिए जो है, इधर मूलियाँ मैंने ऑलरेडी जो है सुबह सवेरे रेडी कर ली थी, और वो भी फ्रेश मूलियाँ। तो मैंने इधर जो है छोटी छोटी पेड़ियाँ बना के रखी हुई है, इनकी मैं दो छोटी रोटियां बना लूंगी। ये देखिए, ये इस तरीके से ये मैं बेल लूंगी। ऑलरेडी मैंने किचन का जो शेड है अच्छे तरीके से साफ कर लिया था। ये देखिए, ये मैं बना के ये रखती हूँ। और एक और ये मैं बताती चलूं कि ये अक्सर मूली के पराठे या आलू के पराठे ये मैं बनाती हूँ इसके साथ मैदे के साथ। मैदा ऊपर मैं डस्ट कर रही हूँ, मैं आटा डस्ट नहीं कर रही। मैदा डस्ट करने के साथ जो है रोटी टूटती नहीं है। और वैसे भी सर्दियों की सौगात है मूली का पराठा। आम रूटीन में फोर सीजन में आप आलू का पराठा बना सकते हैं, सबको खिला सकते हैं, लेकिन ये जो मूली है ये सर्दियों की स्पेशल सौगात है। और हर घर में बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बच्चे लंच में लेके जाते हैं। इधर ये मैं इधर साइड पे रखती हूँ। साथ ही मेरे पास थोड़ा सा जो है वो घी है, कॉर्नर के ऊपर मैं सारा घी लगा दूंगी, बिल्कुल कॉर्नर पर। लगाने से घी इसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी ओपन नहीं होंगे। मैंने इसमें जो है मसाला में माशाल्लाह ढेर सारी चीज़ें डाली हैं, बदहजमी भी नहीं होगी। जैसे डकार वगैरह आती हैं वो ऑलरेडी मैं पहले एक बना चुकी हूँ, मैं मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ज़रूर अपने किचन में ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, ज़रूर बनाइएगा। ये अब मैं थोड़ा सा ऊपर मैदा डस्ट करके और अच्छे तरीके से इसे आहिस्ता आहिस्ता बेलती हूँ। ये देखें, ये मैंने एक पराठा जो है तवे के ऊपर ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें जो है इसके ऊपर जो है घी लगाती हूँ। आप घी ऑयल लगा सकते हैं। देखें, ये मैंने घी लगाने के लिए ऑलरेडी ये मार्केट में अवेलेबल है, ये मैंने इसमें रखा हुआ है। और स्टील का मेरे पास जो है ये डब्बा है, ये अच्छा रहता है, ये जलता भी नहीं है चूल्हे के साथ अगर करीब करके रखे तो। ये मैंने घी लगाने के बाद इसको टर्न करती हूँ। और ये इसकी लुक आई है बहुत खूबसूरत, आप देख सकते हैं खूबसूरत जो है पराठे की लुक आई है। साथ में मैंने होममेड जो है मक्खन ऑलरेडी घर में रेडी करके रखा हुआ था। आप चाहें तो आप दही के रायते के साथ भी ये पराठा जो है खा सकते हैं, और मक्खन के साथ भी खा सकते हैं। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत नेमतों से हमें नवाजा है। सर्दियों की सौगात ज़रूर बनाइएगा अपने किचन में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।